नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। 1000 से अधिक खाद की बोरियां की जब्त, ब्लैक में बेच रहा था दुकानदार, खाद ग्राहक बनकर गई थी पुलिस। डीएपी खाद की एक बोरी 1670 रुपए में दी, किसानों से 465 रुपए अधिक ले रहा था दुकानदार। पुलिस व प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, मौके पर पुलिस व प्रशासन ने दी दबिश। दुकान के नीचे गोदाम में रखी थी बोरियां। सिहोनिया थाना क्षेत्र का मामला, 3 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। आधी रात के बाद तक चली गोदाम सील करने की हुई कार्रवाई। बोरियां पकड़ी है, क्या मामला है? देर रात में सिहोनिया थाना प्रभारी पवन भदौरिया और तहसीलदार साहब को सूचना मिली थी कि किसी खाद गोदाम है, उसमें अत्यधिक मात्रा में खाद रखा हुआ है, इसकी अवैध रूप से बिक्री की जा रही, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। तो सूचना भरोसा करके दबिश दी गई, तो लगभग 900-950 के आसपास बोरी गई है, इनको इन लोगों ने बिक्री के लिए रखा हुआ था। उसमें 2 अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, प्रकरण अनुसंधान में है, तो पुलिस की जा रही है।